नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं रिलायंस जियो कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फाइनली रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से अपने इनोवेटिव एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है जियो ब्रेन। जिस तरीके से आप इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल पर पढ़े होंगे, जियो कंपनी की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इनोवेटिव प्लेटफॉर्म को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये जो जियो ब्रेन है, ये आखिरकार काम किस तरीके से आएंगे? अगर आप एक जियो के ग्राहक है तो आपको डायरेक्टली इससे किस तरीके से फायदा होंगे, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रिलायंस जियो कंपनी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ तो भारत के अंदर नंबर वन टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो वैसे ही नहीं बन गया। भारत के अंदर सबसे बढ़िया अगर मैं नेटवर्क क्वालिटी की बात करता हूँ वो रिलायंस जियो के पास है। अगर मैं 5G की भी बात करता हूँ तो रिलायंस जियो भारत के अंदर एकमात्र कंपनी है जो 5G स्टैंडर्ड लोन आर्किटेक्चर के साथ गया है, यानी 5G ऐसे सर्विस को प्रोवाइड करे जो सबसे सुपीरियर 5G माना जाता है। उसी के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जो एडोप्टेशन है उसे रिलायंस जियो का भी पीछे नहीं पड़ते, क्योंकि जियो को पता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अगर हम एडोप्ट नहीं कर पाते तो हम मार्केट के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते। जिस कारण से रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जियो कंपनी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ काम किया गया है। रिसेंटली मैंने आपको कहा कि आकाश अंबानी मुंबई IIT के ऊपर गया था और वहाँ पर एक स्पीच के ऊपर उन्होंने कहा था कि जियो कंपनी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर रिलायंस जियो कंपनी अपने जियो ब्रेन सर्विस को लॉन्च कर दिया। देखिए, ये जो पर्टिकुलर सर्विस है इसे डेवलप करने के लिए 2 साल का टाइम लगा जियो कंपनी का, और 100 से भी ज़्यादा इंजीनियर्स जो ये पर्टिकुलर सिस्टम को बनाया है, ये पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर बनाया है। तो दोस्तों, ये जियो ब्रेन डायरेक्टली किस तरीके से काम करेंगे, मतलब अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस को यूज़ करते हैं, तो इससे और जियो ब्रेन के अंदर मेनली फ़र्क क्या होगा? आकाश अंबानी की तरफ से पहले जो कहा गया था कि रिलायंस जो अपना भारत के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस आएंगे, क्या वही जियो ब्रेन है? देखिए, वो जियो ब्रेन नहीं है। मेनली आकाश अंबानी की तरफ से जो यहाँ पर बातचीत किया गया था वो चैटबॉट के बारे में बात किया गया था, जो ChatGPT की तरह होंगे। वो अलग चीज़ और हो सकते हैं कि इसी साल के एंड के अंदर उस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस को लॉन्च किया जाए, लेकिन अभी जो जियो ब्रेन को लॉन्च किया गया है ये किसी दूसरे काम के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए, नॉर्मली आज के डेट के अंदर आप 5G को यूज़ करते हैं, आपके फोन जो है वो स्मार्ट हो चुका है, स्मार्टफोन इसी कारण से कहा जाता है। इसी तरीके से जियो का जो नेटवर्क है उसे भी स्मार्ट करने के लिए मेनली जियो नेटवर्क के साथ जियो ब्रेन का जो इंटीग्रेशन है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन काम किस तरीके से करेंगे? फॉर एग्जांपल, आपको काफी ज्यादा डेटा की आवश्यकता पड़ गया है, आपको बहुत ज्यादा इंटरनेट स्पीड चाहिए, तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पर्टिकुलर यूजर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें स्पीड यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के साथ सिंपली बिजनेस टू कस्टमर नहीं, यानी B2C से नहीं, बिजनेस टू बिजनेस सर्विस के लिए भी ये पर्टिकुलर जियो ब्रेन काम में आएंगे। रिलायंस जियो कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आयुष भाडनागर, उनकी तरफ से जियो ब्रेन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उनकी तरफ से बताया गया है, रिलायंस जो एक्सप्लेन दैट जियो ब्रेन कैन इंटीग्रेट मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज इन टू द टेलीको नेटवर्क, इंटरप्राइज नेटवर्क एंड एनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक IT एनवायरमेंट विदाउट द नीड फॉर नेटवर्क फॉर IT ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़कर रिलायंस जो कंपनी का जो टेलीको नेटवर्क है उसी के साथ इंटरप्राइज नेटवर्क है और इंडस्ट्री स्पेसिफिक IT नेटवर्क के ऊपर जियो ब्रेन को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे बहुत एफिशिएंटली यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड किया जा सके हर एक सेगमेंट के अंदर। उसी के साथ जियो ब्रेन सर्विस सबसे ज़्यादा फायदा देंगे इंटरप्राइज सेगमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जियो कंपनी की तरफ से बताया गया है कि मेनली जो इंटरप्राइज सेगमेंट है, यानी आप ये सोच सकते हैं कि जो B2B सर्विस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमाइज तरीके से लोगों को सर्विस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जिस कारण से जियो ब्रेन जो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम में लेकर इस पर्टिकुलर काम को यहां पर कर सकते हैं। उनकी तरफ से यहां पर बताया गया, जियो ब्रेन विल हेल्प टू क्रिएट न्यू 5G सर्विसेज, ट्रांसफॉर्म एंटरप्राइजेस, ऑप्टिमाइज नेटवर्क एज वेल एज सेट द स्टेज ऑफ 6G डेवलपमेंट वायर ML इज ए की कैपेबिलिटीज। तो आने वाले टाइम के अंदर जो 6th generation होने वाला है उसे इनोवेट करने के लिए भी ये जियो ब्रेन काम में आएंगे। उनकी तरफ से पर्टिकुलरली बताया गया है कि कौन कौन से सेगमेंट मेनली जियो ब्रेन के अंदर काफी ज्यादा मदद करेंगे। उनकी तरफ से डायरेक्टली यहाँ पर बताया गया है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एज ए सर्विस, ML चार्जिंग एज ए सर्विस, टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन सर्विस, LLM एज ए सर्विस, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन सर्विस, स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन सर्विस, टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसलेशन सर्विस, टेक्स्ट टू इमेज एज ए सर्विस, कोड जनरेशन एज ए सर्विस, ब्रिंग योर ओन मॉडल एज ए सर्विस। तो इस तरीके का जो सर्विस है ये सर्विस मेरे लिए जियो ब्रेन आपको यहाँ पर मदद कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकता है।
तो आने वाले टाइम के अंदर जियो बैंड का जो प्रैक्टिकल यूजेस है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। ओवरऑल आपके जो टेलीकॉम एक्सपीरियंस है वो आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर होने वाला है ये पर्टिकुलर सर्विसेज की मदद से। अभी देखते हैं जियो कंपनी किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर करते हैं। तो ये सर अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उससे मुलाकात होगी ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।